क्या आप लोगों को पता था कि डॉज कॉइन एक मीम था जो कि अब पैसा बन चुका है। फ्रॉम मीम टू मून का सफ़र है इस कॉइन का, डॉज कॉइन, जो मजाक मजाक में शुरू हुआ था अब वो एक क्रिप्टो करेंसी बन गया है, सीरियस वाला, वो भी मतलब पैसा ही पैसा। क्या है डॉज कॉइन, कब स्टार्ट हुआ ये और इसका इंडियन रुपीज़ में क्या वैल्यू है, लेट्स नो। साल 2013 में पहली बार डॉज कॉइन का इंट्रोड्यूस हुआ था। साल 2013 में डॉग का मीम काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें ये डॉग जिसका नाम है शिबा यूनू, इसका एक फ़नी सा पिक काफ़ी वायरल हो गया था जिसमें वो कुछ अजीब तरह से देख रहा है। वैसे ये जापनीज ब्रीड है और काफ़ी क्यूट है। उन दिनों क्रिप्टो करेंसी के टाइम में बिटकॉइंस काफ़ी फेमस था। उसी टाइम में दिसंबर 2013 में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बेलस मार्कस एंड जैक्सन पैलमर जस्ट मज़े के लिए मीम और क्रिप्टो करेंसी को एक कर दिया। ये बिटकॉइंस की तरह ही डिसेंट्रलाइज है, इसका मतलब इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। डॉज कॉइन निकलने के बाद ही जैक्स पैलमर ने ट्वीट किया टू इन्वेस्ट इन डॉज कॉइन विच इज़ नेक्स्ट बिग थिंग, और ये ट्वीट काफ़ी वायरल हो गया। उन्होंने बताया कि बिटकॉइंस की तरह भी डॉज कॉइन भी काफ़ी लिमिटेड नंबर्स में है। लोग फिर फन के लिए, मीम के लिए इसको ख़रीदने लग गए। रिसेंटली इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया था कि वो एक डॉज कॉइन लिटरली मून में रख के आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये फ्यूचर का करेंसी हो सकता है। उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी अनबिलीवेबल था। तो सुनिए क्या हुआ था। स्टार्टिंग में डॉज कॉइन का वैल्यू 0.50 पैसा था, कुछ ज़्यादा नहीं, बस 6-8 महीने पहले ही ये प्राइस था। हाँ, 50 पैसे ऑफ इंडियन रुपीज़। वो 50 पैसे का वैल्यू अभी 50 रुपये हो गया है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा गया तो 6 महीने पहले अगर कोई 1 लाख इन्वेस्ट करता डॉज कॉइन में, तो 6 महीने बाद मतलब एज ऑफ इन द मे ऑफ मे उसका प्राइस हो जाता 1 करोड़, और अगर कोई 1 करोड़ इन्वेस्ट करता 6 महीने पहले तो अभी उसका हो जाता प्राइस 100 करोड़ के आसपास। इसमें अक्षय कुमार का फॉर्मूला भी फेल है। वैसे अभी के टाइम में डॉज कॉइन का वैल्यू काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट्स वेरी रिस्की टू इन्वेस्ट इन दिस। क्रिप्टो करेंसी में जनरल पब्लिक को वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो कि वो खो भी दे तो उसको इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नहीं कि फुल्ली सीरियस होके कि करोड़पति बन जाएंगे, ये वैसे नहीं करना। जो फालतू पड़ा है तो वो तुम कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही ज़्यादा मार्केट रिक्स होता है। बट दिस क्रिप्टो करेंसी की जर्नी से यह पता चलता है कि एक मीम भी चाहे तो करोड़ का वैल्यू बन सकता है। इंटरनेट में कुछ भी हो सकता है।